साधना भारती जी, किन राज्यों में सबसे ज्यादा उम्मीद? गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में आप इस वक्त बैठी हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में टक्कर में ही नहीं है। मिस भारती, आदरणीय अंजना जी, देखिए चुनाव जब लड़ने के लिए कोई भी रणभूमि में उतरता है तो ये सोचकर नहीं उतरता है कि हम टक्कर में नहीं है, हम हार जाएंगे। बिल्कुल, कहते हैं जब तक हार ना जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए, और जब तक जीत ना जाए जीत के लिए आश्वस्त नहीं होना चाहिए। तो आश्वस्त रहना चाहिए मगर अभिमान नहीं होना चाहिए जीत का, मुझे ऐसा लगता है। तो हम पांचों राज्यों में चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़े, और सिर्फ चुनाव में नहीं दिखाई दी, हम चुनाव से पहले भी, चाहे वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ चुनावी मैदान में पहले ही हम थे, और लगातार जनता की आवाज जमीन पर खड़े होकर, ठीक है, अगर किसी ने उठाई तो वो कांग्रेस पार्टी। स्कोरबोर्ड लगा हुआ है मैडम, स्कोरबोर्ड लगा हुआ है स्क्रीन के चारों तरफ, और जो होगा सबके सामने होगा। एमएच खान साहब, जल्दी से एक टिप्पणी आपसे, जल्दी से। जी अंजना जी, अब तो सरकार बना रहे हैं, अब देखिए सरकार तो बनाने का वादा जनता देती है सबको कि आप सरकार बनाइए, आप चुनाव लड़िए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब काउंटिंग शुरू हो गई है। अब देखिए इसका रिजल्ट 2 बजे तक तो कुछ आ जाएगा। ईवीएम पर भरोसा है ना? नहीं, ईवीएम पर तो भरोसा है ही, हम तो कह रहे हैं, लेकिन ईवीएम पे छेड़छाड़ हो सकती है ये तो सत्य है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी पोस्टल बैलेट की मतगणना की जा रही है, लौट रही हूँ समय आपके पास। पोस्टल बैलेट की मतगणना की जा रही है, 8:30 बजे से ईवीएम खोला जाएगा, कुछ देर का और इंतजार। और अपने आप में बेहद अहम है, एमएच खान साहब आप बातें कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा बचकर अब बोलने की आपकी ओर से कोशिश जरूर की जा रही है, ईवीएम पर भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती क्या इस बार कुछ कमाल कर जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ये महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त ये, अभी आपको बताते चले, पोस्टल बैलेट की गिनती में कम से कम 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा, और उसके बाद जब ईवीएम खुलेगी उसके बाद ईवीएम से तस्वीर साफ होने लगेगी कि किसका होगा राज तिलक। मान के चलिए 9:30 बजे के आसपास रुझान जब सामने आएंगे, जैसे जैसे वो नतीजों में तब्दील होते हुए चले जाएंगे, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एमएस खान साहब मुस्कुराते हुए जरूर सुबह सुबह आप नजर आ रहे हैं, और सुबह सुबह ये दावा भी नहीं कर रहे हैं कि बीएसपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन स्थिति क्या है? और आपने कहा कि ईवीएम को लेकर फिलहाल आप लोगों का यानी कि बीएसपी का भरोसा कायम है। नहीं, दावा तो हमारा है कि हम सरकार बना रहे जी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अब गिनती शुरू हुई है, अब गिनती शुरू हो गई, अब ये एग्जिट पोल वगैरह सब मामला खत्म हो गया है, अब फैक्ट सामने आने वाले हैं, अब दो बार बाद तक ये सामने सब आ जाएगा। ठीक है, हम तो आश्वस्त है, आश्वस्त है आप, ठीक है सर, आश्वस्त है आप, हमें इंतजार है पहले रुझान का इंतजार 5 प्रदेशों में भी किया जा रहा है। पोस्टल बैलेट की मतगणना जारी है, हालांकि पोस्टल बैलेट के आधार पर आगे की काउंटिंग को जोड़ा नहीं जा सकता है, जैसे ईवीएम खुलेगा उसके बाद उस पिटारे से ये निकलकर सामने आएगा कि किसका राज तिलक उत्तर प्रदेश में होता है। अखिलेश यादव, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी फौज उतार रखी हुई है, दूरबीन तक से निगरानी की जा रही है उन तमाम जगहों की जहां पर काउंटिंग चल रही है, अखिलेश यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, कल तक लगातार उनके ट्वीट भी इस ओर इशारा करते रहे अपने कार्यकर्ताओं को, उन्होंने कहा जोश के साथ वो जाएं और नजर रखें कि कहीं पर कोई छेड़छाड़ी तो नहीं हो रही है। लेकिन आज अखिलेश यादव जो दावे कर रहे हैं उनका दावा क्या दम में परिवर्तित लेप कर परिणाम उनके अनुकूल कर पाता है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन बस कुछ ही पलों में पहले रुझान का हमें इंतजार है, और जैसे एक एक जल्दी से संजय जी आपसे शुरुआत करते हुए स्टूडियो में, कितना समय लगेगा पहला रुझान आने में, क्योंकि बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 8:09 हो चुके हैं, कितने देर का और इंतजार करना होगा? चित्रा जी मेरी जानकारी के अनुसार कम 9:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, ईवीएम 9:30 बजे ही खुलेंगे, तो समय तो बहुत लगने वाला है। मुझे नहीं लग रहा है कि तस्वीर कम से कम 7-8 बजे जाके ही साफ होगी, ये जरूर है 1:30-2 बजते तक हमें ट्रेंड मिलने लगेंगे, और हो सकता है वो ट्रेंड स्टेबलाइज कर जाए, लेकिन समय लगेगा, गिनती वोटों की गिनती में समय लगने वाला है।